हम देखने वाले जो वीकली करंट अफेयर है, मतलब जो पीछे के 7 दिन के लगभग आसपास हैं, तो वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर कर रखे हैं। एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा, फिर ऐसी मंथली की हम देखेंगे। तो इसमें जो पीछे के हुए हमने 7-8 दिन पढ़े हैं, तो वो इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो चले देखते हैं, फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ हम पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू को नया MD व CEO बनाया गया। ये पीछे पूछा भी गया था, पूछा जाएगा आपसे ऐसे कि केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू को नया MD व CEO बनाया गया। तो याद रखना, केनरा बैंक ने किसको बनाया? सत्यनारायण राजू को नया MD व CEO बनाया गया। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे आप। DGGI NFSU ने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के स्थापने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछेगा किसने हाल में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, DGGI और NFSU ने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए आपस में क्या किए, इन्होंने हस्ताक्षर किए। देखिए, क्या ये खुफिया संगठन है और जिन्होंने दोनों ने मिलकर कि कोई GST की चोरी ना करें, तो उसके लिए इन्होंने दोनों ने आपस में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। IEEE CDOT प्रमाणित द्वारा दूर संचार विशेषज्ञ कार्यक्रम शुरू किया गया। पूछा जाएगा कि दूर संचार विशेषज्ञ कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आप बताएंगे IEEE, मतलब ये क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसका समझौता या कार्यक्रम ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PPAC ने IIA के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। पूछा जाएगा हाल में ही किसने IIA के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप बताएंगे PPAC। देखिए, PPAC मतलब क्या है, जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, और मतलब IEA कह देते हैं, इसके साथ में इन्होंने आपस में क्या करा, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ों को, तो इसमें इन्होंने इंटर्नशिप के साथ योजना बनाई है या प्लान को इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। EESL IMT GT JBC की ऊर्जा दक्षता अपने को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछेगा किसने हाल में ही हस्ताक्षर किए इन दोनों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए? तो आप आंसर देंगे EESL। EESL की फुल फॉर्म मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, और IMT GT का मतलब क्या है, ये एक कह सकते हैं आप ग्रोथ ट्रायलिंग जॉइंट बिजनेस काउंसलिंग है, जो इन दोनों के बीच में किस तरीके से बिजनेस को कैसे करें, तो उसको कंट्रोल लेके किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। RBI ने रेपो दर 25 BPS से बढ़ाकर कितनी 6.5 हो गई है, कितनी हो गई है, 6.5 हो गई है। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक ने कार फाइनेंस के लिए मारुति के साथ करार किए। इन्होंने कहाँ पर हस्ताक्षर किए? तो आप याद रखेंगे मारुति के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 मिला। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा मातृभाषा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय किसको मिला? तो आप बताएंगे महेंद्र मिश्रा को। किसको मिला? ये महेंद्र मिश्रा को मिला है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HDFC बैंक सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजी में पूरी 9.95 की हिस्सेदारी बेचेगा। पूछेगा कितनी की हिस्सेदारी बेचेगा? तो आप बताएंगे 9.95 की हिस्सेदारी बेचेगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप याद रखेंगे ICICI बैंक ने यूरोपीय बैंक PNB का परिवार के साथ समझौता किया है। पूछेगा हाल में ही किस बैंक ने यूरोपीय बैंक PNP परिवार के साथ समझौता किया है? तो आप याद रखेंगे ICICI बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। पूछा जाएगा हाल में ही किसका निधन हो गया? तो आप बताएंगे जावेद खान अमरोही का हो गया। जावेद खान अमरोही कौन थे? तो आपने देखी मूवी देखी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, मिर्जा गालिब द्वारा कई मूवियों में इन्होंने काम किया गया, तो ये GTV के शो में भी इन्होंने काम किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, तो वो क्या थे? तो आप बताएंगे वो अभिनेता थे। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मृति मानधना 3.4 करोड़ के साथ WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे IPL होता है, तो इसमें सबसे महिला खिलाड़ी महंगी कौन भी की है? तो आप बताएंगे स्मृति मानधना। कौन बनी है? स्मृति मानधना। इन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मतलब RCB ने खरीदा। पूछेगा किस टीम ने खरीदा? तो आप बताएंगे RCB ने खरीदा। और दूसरी महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी है। और दीप्ति शर्मा को किसने खरीदा? UP Warriors ने खरीदा 2.6 करोड़ में। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 23 कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 15 फरवरी को ये बनाया गया। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
केरल के जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की। पूछा जाएगा जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना किसने शुरू की है, तो आप बताएंगे केरल ने। किसने किया है? केरल ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पॉइंट की तरफ। सऊदी अरब ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा। पूछा जाएगा हाल में ही किसने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा, तो आप बताएंगे सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब को ये भेजा है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिहार उन राज्यों में शामिल है जिन्होंने शिक्षा के लिए अधिक आवंटन किया। पूछेगा शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा किसने आवंटन किया, तो आप बताएंगे बिहार ने। देखिए इससे पहले कौन कौन है? दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने एक अच्छा बजट पास कर रखा पढ़ाई के लिए, तो अब इसमें बिहार भी काउंट होने लगा है। महाराष्ट्र देखें सबसे ज़्यादा करता 80 करोड़ के आसपास, उत्तर प्रदेश 80 करोड़, मतलब ये कह लो 80 करोड़ के आसपास तो करता है, बिहार के आसपास 75 के आसपास मान लें आप, उत्तर प्रदेश और 43 के आसपास कौन करता है, ये लगभग पश्चिम बंगाल, तो बिहार भी इन्हीं सूची में आगे शामिल हो गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट। CBT ने निर्धारण वर्ष 2023 से 24 के लिए 6 आयकर रिटर्न फॉर्म अनुसूचित किए हैं। पूछा जाएगा कितने आयकर फॉर्म किए गए हैं, तो आप बताएंगे 6 आयकर फॉर्म को आयोजित, मतलब ये बकर के बढ़ाया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। नमामि गंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नमामि गंगे मिशन सेकंड को 22,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है। तो पूछेगा नमामि गंगे को कितने करोड़ के बजट के साथ में दे दी गई है, तो आप बताएंगे 22,500 करोड़ में, और किसको दे दी गई है? नमामि गंगे। किसको दे दिया गया? नमामि गंगे को। चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ। अब CP राधाकृष्णन को हाल में ही किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, तो आप अंदर याद रखेंगे झारखंड का। तो CP राज्यपाल को किसका वो बनाया गया, तो झारखंड का इन्हें राज्यपाल बनाया गया है। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना पेश की है, तो आप अंदर याद रखेंगे किसकी की है? राजस्थान। राजस्थान के साथ ये योजना इन्होंने की है कि सभी परीक्षाओं के लिए क्या करेंगे, वो निःशुल्क पेपर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। लोकप्रिय कलाकार BS वर्मा का हाल में ही निधन हो गया, वे किस पुरस्कार से सम्मानित थे, तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, ललित कला अकेडमी पुरस्कार से वे सम्मानित थे। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो आप बताएंगे अमेरिका के साथ इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, प्रीतिकर दिवाकर। कौन हो जाएगा? प्रीतिकर दिवाकर। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। हाल में ही 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फिजी, और मैंने आपको बताई थी फिजी की राजधानी, आप याद रखेंगे फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुआ। फिजी की राजधानी हो जाएगी सुआ। चलते देखिए नेक्स्ट। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करेगा, तो आप आंसर बताएंगे भारत। कौन करेगा इसमें? भारत इसके गठबंधन का नेतृत्व करेगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो आप आंसर बताएंगे सी, पश्चिम बंगाल में। खबरों में रहा हाल ही विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही जारी ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55वां। कौन सा है? 55 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही नासा ने किस कंपनी के न्यू ग्लेन ESAPADE अनुबंध किया है, तो आप याद रखेंगे ब्लू ओरिजन के साथ। किसके साथ किया? ब्लू ओरिजन। देखिए नासा ने ब्लू ओरिजन कंपनी के साथ में ये अनुबंध किया गया है कि ये मंगल के हाइब्रिड पवन ऊर्जा स्थानांतरण की जांच करेगा, वह उसका अध्ययन करेगा, तो आप याद रखेंगे कि क्या नाम रखा है इसका? ब्लू ओरिजन। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया, तो आप आंसर बताएंगे 13 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही केंद्रीय कर बोर्ड CBT के साथ MAPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बन गया है, तो आप आंसर बनाएंगे गेल। गेल मतलब क्या? इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड करते मतलब CBT के साथ इन्होंने क्या करा, समझौते किए और किस तरीके से गैस की मात्रा को बढ़ाना घटाना उस चीज़ को लेकर इन्होंने आपस में समझौते किए। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो
ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते किए? देखिए, पहले तो आप यहाँ इसरो की फुल फॉर्म याद रखेंगे। देखिए, इसरो की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या, ISRO, इसरो की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद रखेंगे? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते किए हैं? तो आप बताएंगे भारतीय नौसेना के साथ, इंडियन नेवी के साथ में समझौते किए हैं। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप हाल में ही ICC T20 महिला विश्व कप 2023 किस देश में शुरू हुआ? तो आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, चल भी रहा है करंट में, तो दक्षिण अफ्रीका के कहाँ हो रहा है ये ICC महिला T20 विश्व कप, तो ये दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति वर्ष दलहन फसलों को महत्व उजागर करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो आप बताएंगे इटली। किस देश के उसने किए? तो इटली ने किए। यहाँ राजधानी की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका की राजधानी आप याद रखेंगे क्या है? Washington DC। क्या है? Washington DC। DC का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस, मतलब कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, इसलिए DC है यहाँ पर। तो मैं पूछूँ आपसे कि बताएं अमेरिका की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे Washington DC। इटली की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इटली की राजधानी रोम है। जर्मनी की राजधानी की बात कर लेते हैं, यहाँ बर्लिन है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही HAL ने किस देश में पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर Mark 3 दिया है? तो आप बताएंगे मॉरिशस। किसने दिया ये? मॉरिशस ने सबसे हल्का उन्नत हेलीकॉप्टर Mark 3 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के खिलाड़ी इयन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप आंसर बताएंगे इंग्लैंड के। तो ये इंग्लैंड के कप्तान हैं इयन मॉर्गन, इन्होंने सभी से क्या कर दिया? संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए शुभमन गिल को। किसको चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आप आंसर याद रखेंगे फिनलैंड। कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगर फिनलैंड की राजधानी की बात करें, तो फिनलैंड की राजधानी आप याद रखेंगे, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा एंजेला मर्केल। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप आंसर याद रखेंगे एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही आए चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश के अपनी चपेट में ले लिया? हाल में ही ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूजीलैंड। पूछा जाएगा ग्रेबियल ने हाल में ही किस देश को अपने उसमें चपेट में लिया? तो आंसर क्या बताएंगे आप? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी आप याद रखेंगे वेलिंगटन। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। देखिए यहाँ पर सेकेंड पर मालदीव की राजधानी की बात करें, तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले। न्यूजीलैंड की आपको बधाई दी, क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। और जापान की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो आप याद रखेंगे तरुणदीप राय। किसने जीता ये? तरुणदीप राय ने जीता। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता का करने का वो लिया? तो आप बताएंगे 1.78 बिलियन का इन्होंने ये लिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकोस क्रिस्टोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो आप याद रखेंगे साइप्रस। साइप्रस की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो निकोसिया इस देश की क्या है? राजधानी है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। लेबनान की राजधानी की बात करें, तो बैरूत। लेबनान की राजधानी पूछें आपसे, तो बैरूत। और तुर्की की राजधानी पूछें, तो अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, देखिए एक तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना है। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PM मोदी ने फरवरी 2023 में एरियो इंडिया का 14वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया।
चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर फरवरी 2023 में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आप आंसर बताएंगे पुणे में। कहाँ पे करेगा? पुणे में ही करेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। निम्न में से किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए स्पिनिंग रोपेंट किसने लॉन्च किया? तो आप बताएंगे इजराइल ने। किस देश ने किया? इजराइल ने किया। इजराइल की राजधानी की बात कर लें तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम। क्या है? यरूशलम। कनाडा की राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ओटावा हो जाएगी। जापान की राजधानी अभी पीछे भी आई थी टोक्यो, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। देखिए जो जकार्ता राजधानी है इसकी पुरानी राजधानी है, लेकिन इस समय इसकी राजधानी बदल गई है, और इस समय इसकी राजधानी आप याद रखेंगे नूसंतारा, क्योंकि बदली है तो पूछा जा सकता नूसंतारा। क्या राजधानी हो जाएगी? नूसंतारा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो आप बताएंगे अश्विनी वैष्णव। बी ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने, और अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGEV पुरस्कार प्रदर्शन किया? तो आप बताएंगे मिस्र। क्या आंसर हो जाएगा? मिस्र। मिस्र की राजधानी की बात करें तो मिस्र की राजधानी आप याद रखना काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। USA की राजधानी आपको बताई थी अभी वेलिंग, उसका नाम है Washington DC। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश। किसके बने हैं ये? बांग्लादेश। ए ऑप्शन हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी आप सभी जानते हैं ढाका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। जापान की राजधानी फिर से आ गई तो आप बताएंगे टोक्यो। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 का जश्न मनाने के लिए किसने G20 टीम QR कोड लॉन्च किया? तो आप बताएंगे पेटीएम। किसने किया ये? पेटीएम ने किया। पूछेगा G20 की अध्यक्षता का जश्न बनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? तो आप आंसर बताएंगे पेटीएम। किसने किया ये? पेटीएम ने किया है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पे किया? तो ये बताएंगे कटक। पहला भी कहां पे था? कटक में। और दूसरा भी कहां पे हुआ? कटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन, दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। हुंडई मोटर इंडिया ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप बताएंगे यासिता भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को बनाया है। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली AC डबल डेकर की बस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं। किसने वुमेन प्रीमियर लीग 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली करी है? तो स्मृति मानधना ने। देखिए 2.4 करोड़ यहाँ पे 2.5 गलत लिखा है, ये 3.4 है, बल्कि 3.6 है। तो आप याद रखना कौन है, लेकिन आंसर याद रखना स्मृति मानधना। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला बन गई है, तो क्या नाम है उसका? याद रखेंगे रेहना। क्या नाम है उसका? रेहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किसने किया था? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सफाही अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा इसमें? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही फिजी में होने वाले 12वें हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा S. जयशंकर प्रसाद। और S. जयशंकर प्रसाद कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री हैं। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा खनन प्रहरी। क्या नाम आएगा? खनन प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही फाइजर इंडिया ने अपना नया MD व CEO किसे नियुक्त किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मीनाक्षी नेवतिया। किसको किया ये? मीनाक्षी नेवतिया को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही किस संस्था के अध्यक्ष पद पर अनिकेत सुनेश तलाती का कार्यभार संभाला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं देखें। एयर इंडिया ने 250 विमान प्राप्त करने के लिए किस देश के एयरबेस के साथ साझेदारी की है? तो आप बताएंगे फ्रांस के साथ ये साझेदारी की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, अमेरिका की राजधानी Washington DC और जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमी हुई झील में मैराथन का मेजबान राज्य कौन बनेगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। कौन बनेगा? लद्दाख।
नेक्स्ट चलते हैं, देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटकों का थानों के उद्घाटन किया है, तो आप आंसर बताएंगे बी आंध्र प्रदेश। किसने किया? आंध्र प्रदेश ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हाल में ही UPI लाइट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा बन गया, तो आप बताएंगे पेटीएम बैंक। कौन सा बन गया? पेटीएम बैंक। हाल में ही इसका वो बन चुका है, तो आंसर होगा पेटीएम बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड दिया, तो आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए किस देश में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताई थी आपको कैनबरा, अमेरिका की राजधानी याद हो चुकी होगी आपको वाशिंगटन DC, जापान की राजधानी को याद है टोक्यो। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ हुआ, तो आप आंसर याद रखेंगे राजस्थान के कोटा में। कहाँ हुआ? राजस्थान के कोटा में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मार्कबर्ग विषाणु नामक प्रकोप की पुष्टि कहाँ पे हुई थी, तो इक्वेटोरियल गिन्नी। कहाँ पे हुई थी? इक्वेटोरियल गिन्नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए HFT-42 का हाल ही खबरों में रहा, ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे सुपरसोनिक जेट से। किससे संबंधित है? ये सुपरसोनिक जेट से ये संबंधित है, सुपरसोनिक जेट से ये संबंधित है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, किस राज्य ने एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रावाहिक पेंशन देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो आप बताएंगे उड़ीसा। किस राज्य ने दी है? ये उड़ीसा ने दी है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता सहिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, तो आप आंसर याद रखेंगे ए मिजोरम ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोन का उद्घाटन या आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो आप बताएंगे दिल्ली में ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल में ही जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, आप बताएंगे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक्टर थे, एक अभिनेता थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में ही एक नए प्रकार के क्वासिक ओकल क्रिस्टल की खोज की है, तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अमेरिका। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए किस राज्य ने फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया राज्य में लागू करने का निर्णय लिया, तो आप आंसर बताएंगे सी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल में ही किस राज्य में विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। किसने किया? तो आप आंसर बताएंगे गुजरात ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए दिव्यजन अधिकारिकता विभाग द्वारा दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 16 फरवरी को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद किस देश की दुनिया को पहली पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन मिला है, तो आप आंसर बताएंगे भारत को स्वार्म ड्रोन मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो ये मध्य प्रदेश के खुजराहो में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्लोबल टेक समिट GTS किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो विशाखापत्तनम में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल वित्त वर्ष 2022 से 26 तक वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, तो इसके तहत कितने गाँवों को लिया जाएगा, तो आप बताएंगे 663 गाँवों को लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है, तो आप आंसर बताएंगे अमेरिका, बी ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी चिली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस जिले के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती, तो आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा आंसर? कोल्लम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के आंवला और फूलपुर में भारतीय किसानों के उर्वरक सहारी लिमिटेड इफ़ो के यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया, तो आप आंसर बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के वीज़े के छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप आंसर बताएंगे फिजी। किसके साथ किए हैं? फिजी के साथ। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो आप आंसर बताएंगे गुजरात उच्च न्यायालय के, गुजरात हाईकोर्ट की इन्होंने वो ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ भारतीय मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर और इसके नौसैनिक संस्करण के इंजन के विकास के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सफरान हेलीकॉप्टर इंजन। क्या नाम है? सफरान हेलीकॉप्टर इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2023 से 24 भारत की रक्षा पूंजी बजट खरीद लिया और डैश के लिए उद्योग निर्धारित किया, तो आप बताएंगे 75। सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? 75 हो जाएगा।